हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं कलरफुल केमिस्ट्री किट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। इसके अंदर हमें 10 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं और ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है केमिस्ट्री पर बेस है। और ये जो किट है वंडर लैब की तरफ से आ जाती है। इस किट के अंदर हमें एक इल्यूस्ट्रेटेड मैनुअल भी देखने को मिलता है। बॉक्स देख रहे हो गाइस, इस तरह के बॉक्स में मिलती है हमें ये केमिस्ट्री किट। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से कर इस कलरफुल केमिस्ट्री किट को खरीद भी सकते हो। दोस्तों, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, बॉक्स जो है थोड़ा बहुत कुरियर वालों ने डैमेज कर दिया है। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है, सारी चीजें यहां पर आप पढ़ भी सकते हो। ये जो बॉक्स है काफी ज्यादा कलरफुल देखने को मिलता है और इसका नाम भी है कलरफुल केमिस्ट्री किट। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इस बॉक्स को मैं कर लेता हूँ ओपन और देखेंगे हम लोग इस बॉक्स को यूज करके क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ऊपर का मैंने जो कवर था वो हटा दिया है, तो यहाँ पे भी लिखा है वंडर लैब साइंस किट्स बोलकर। तो चलो बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ मैं फटाफट से। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर हमें एक इलस्ट्रेटेड मैनुअल देखने को मिलती है। ये मैनुअल मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। काफी ज्यादा कलरफुल मैनुअल है, देख रहे हो, वाओ कितनी ज्यादा कलरफुल है यार। तो फिलहाल इसे रखते हैं साइड में, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पे एक है पेट्री डिश, इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पे एक बीकर है और स्टिरर दिए गए हैं बहुत सारे। एक कॉटन स्वैब है और यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक के कप्स देखने को मिलते हैं हमें, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कप्स है। यहाँ पर दो ड्रॉपर्स मिलते हैं हमें, दो स्पूनस है, एक और कॉटन स्वैब है इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में। फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ग्लव्स भी देखने को मिलते हैं हमें और सेफ्टी ग्लासेस है। ओ भाई साहब, यहाँ पे देख रहे हो गाइस इतने ढेर सारे केमिकल्स है। तो ये भी निकाल के देख लेते हैं क्या क्या केमिकल्स मिले हैं हमें इसके अंदर। तो दोस्तों, ये जितने भी केमिकल्स आप मेरे हाथ में देख रहे हो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में है और इस तरह के छोटे से कंटेनर में मिलते हैं हमें सारे के सारे केमिकल्स। तो ये है फिनोफैलिन, शायद इस तरह के हमें दो कंटेनर्स मिलते होंगे, ये देख रहे हो दो बिल्कुल सेम है। और ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी सेम है। और ये है थाइमोल ब्लू, ये भी यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये भी है थाइमोल ब्लू। इन सारी चीज़ों को रख देता हूँ मैं साइड में। और भी है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली है। ये जो केमिकल्स है थोड़े से बड़े कंटेनर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ये देख रहे हो इससे डबल साइज है इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो कंटेनर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की देखने को मिलती है और यहाँ पर दो कंटेनर जो है सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश की देखने को मिलती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, फटाफट से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिलता है हमें बहुत सारा डिटर्जेंट, यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है सिट्रिक एसिड। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, है नेचुरल सब्सटेंसेस, जैसे कि ये ऊपर मेरे को लग रहा है टर्मरिक है, देख रहे हो टर्मरिक है। और ये है ब्लू पी फ्लावर्स। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें मिली है गाइस हमें इस बॉक्स के अंदर, आप देख रहे हो। तो मैं अभी मैनुअल ले लेता हूँ यहाँ से। मैनुअल के अंदर जो है मैं आपको सबसे पहले इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो गाइस, इसके अंदर इतनी ढेर सारी एक्सपेरिमेंट्स हमें करने को मिलती है। तो इसके अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैनुअल है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। तो दोस्तों, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टेरिफिक कलर्स बोलकर, और ये है पिंक वाटर कलरलेस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ये। तो काफ़ी अच्छी मैनुअल है, इनविजिबल मैसेज गेम तीसरा एक्सपेरिमेंट है, चौथा एक्सपेरिमेंट जो है कलर चेंजिंग स्पाइस है। और इसी तरह से आप ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो इस किट को यूज़ करके। तो दोस्तों, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट्स करके बताने वाला हूँ, देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किट के अंदर केमिकल्स कितने अच्छे दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट्स करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है पिंक वाटर कलरलेस।
ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से करना है यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन से मटेरियल्स को लेना है यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि हमें एक बीकर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर, स्टिरर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, फिनोल फेथिलीन इंडिकेटर, तो इतनी ढेर सारी चीज़ें लेनी होती है हमें। यहाँ पे देख रहे हो हम जो अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, एक्सपेरिमेंट किस तरह से काम करता है इस मैनुअल के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे जो वाटर आपको नजर आ रहा है इसको हम पिंक कलर में चेंज करेंगे वापस से, इसे कलरलेस भी कर सकते हैं इन केमिकल्स को यूज करके। तो चलो दोस्तों एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट की हमें 3 से 4 ड्रॉप्स डालना है इसके अंदर। डाल लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 4 डाल दिया भाई मैंने। तो इसे मिक्स करते हैं, तो अभी देख रहे हो कोई भी कलर वगैरह इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। तो अभी आता है ये वाला केमिकल, तो इसे मिक्स करते हैं इसके अंदर। अभी देखना गाइस इसका मैजिक। इसको हमें सिर्फ डालने हैं 3 ड्रॉप्स, 1 2 3। तो देख रहे हो गाइस मैजिक, ये जो केमिकल है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पिंक कलर का बिल्कुल भी नहीं है, ये देख रहे हो कलरलेस है केमिकल। पर जैसे ही हम इसके अंदर मिक्स करते हैं यहाँ पे कलर जो है इसका पिंक में चेंज हो जाता है। वाओ, पूरी तरीके से पिंक कलर हो चुका है ये। तो अभी इसे वापस से हम लोग कलरलेस भी बना सकते हैं इस केमिकल को यूज करके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब भी देखना गाइस, मैं इसके मिलाऊंगा 6 से 7 ड्रॉप्स इसके अंदर, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी इसे मिक्स करते हैं, देख रहे हो गाइस है ना केमिस्ट्री का मैजिक, वापस से ये देख रहे हो पूरी तरीके से कलरलेस हो चुका है। तो यही है गाइस ये एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है पिंक टू कलरलेस। काफी ऑसम एक्सपेरिमेंट लगा मेरे को। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से काम करता है यहाँ पे आप सारी चीजें इस मैनुअल के अंदर पढ़ भी सकते हो। तो चलो गाइस अभी मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे इस टाइम हम। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, इसके नाम से ही कलर कैस्केड बोलकर। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें इतनी ढेर सारी चीजें लगेगी, तो चलो दोस्तों फटाफट से मैं सारी चीजें ले लेता हूं। अभी कलर कैस्केड एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें वाटर चाहिए, बीकर, स्कूप, स्टिरर, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक मार्कर भी चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने ले ली है जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी करते हैं कलर कैस्केड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमें लेना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके 6 6 ड्रॉप्स डालते जाना है ये 6 कंटेनर्स के अंदर। तो ये कंटेनर्स के अंदर मैंने 50 ml वाटर फिल कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस सभी कंटेनर्स के अंदर सिर्फ आपको एक ही कलर नजर आ रहा होगा। तो अभी देखना गाइस यहाँ पे स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का मैजिक। पहले कंटेनर के अंदर हम मिक्स करेंगे सोडियम कार्बोनेट, 6 ड्रॉप्स मिक्स करूंगा मैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस इसका जो कलर है यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, देख रहे हो पर्पल कलर हो चुका है। दूसरे वाले कंटेनर के अंदर हम मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा, ये डाल दिया मैंने, अभी इसे मिक्स करते हैं। वाओ, अभी देख रहे हो गाइस इसका भी कलर जो है चेंज हो चुका है। तो तीसरे कंटेनर के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 स्पून सिट्रिक एसिड, ले लेता हूं मैं 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 स्पून सिट्रिक एसिड, ये डाल दिया मैंने। तो अभी इसे मिक्स करेंगे। वाओ, इसका भी कलर जो है गाइस देख रहे हो चेंज हो चुका है।
तो हम फिफ्थ कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे सिर्फ सिट्रिक एसिड। ये रहा सिट्रिक एसिड, एक स्पून डाल देता हूं मैं, ये डाल दिया मैंने। अभी इसको मिक्स करते हैं। देख रहे हो गाइस, इसका भी जो कलर है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये जो कलर है थोड़ा सा डार्क है, ये जो कलर है थोड़ा सा लाइट है। सिक्स कंटेनर के अंदर हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, 11 ड्रॉप्स मिक्स करेंगे। ये रहा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो कलर्स आपको नजर आएंगे, देख रहे हो गाइस, ये थोड़ा सा लाइट है, ये उससे डार्क है, ये उससे भी डार्क यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों यही था कलर कैस्केड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट जो है किस तरह से काम करता है, इस मैनुअल के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, इस किट के अंदर हमें जितने भी केमिकल्स मिलते हैं सारे के सारे जो केमिकल्स है काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। आप भी यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे हम इसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिक्स करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो कलर्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से चेंज हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि केमिकल्स जो है काफी अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं वंडर लैब वालों ने। तो गाइस इसी तरह से आप ये किट खरीदते हो तो आपको 10 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने को मिल जाएंगे, और सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है काफी ज्यादा मजेदार लगे मेरे को। और खास करके इनकी ये जो मैनुअल है काफी मजेदार है यार, काफी अच्छे से समझाया गया है कि कौन से एक्सपेरिमेंट को किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे आप सारे एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हो, 10 एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं और इनके सारे फैक्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो ओवरऑल किट काफी ज्यादा बढ़िया लगी मेरे को। अगर आप ये किट खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस वंडर लैब कलरफुल केमिकल किट को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है प्रसाद, दिग्विजय गौर, साई विघ्नेश, रामिंदर सिंह, सौमिली चैटर्जी, नितिन सोनार, सुदर्शन तासीन, अनुज भगत, रंजीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है, एंड मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।